पुणे पॉश केस इस समय चर्चा में है। पुणे में शराब के नशे में धुत एक नाबालिग ने 2.5 करोड़ की पॉश कार दो इंजीनियर्स पर चढ़ा दी, जिसके बाद से ये मामला गरमाया हुआ है। मामले में पुलिस ने पिता सहित पब में नाबालिग को शराब परोसने वाले मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा नाबालिग की जमानत को रद्द करते हुए किशोर न्याय बोर्ड ने 14 दिनों के लिए उसे जुवेनाइल रिहैब सेंटर भेज दिया है। आपको बता दें कि नाबालिग के पिता विशाल एक जाने माने बिल्डर हैं। इस हादसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। चलिए आपको इस घटना की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। हादसे के समय नाबालिग शराब के नशे में धुत था और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने पिता की पॉश कार चला रहा था। इस हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले दो युवा इंजीनियर्स अनीश और अश्विनी की मौत हो गई। ये कार पुणे के एक अमीर बिल्डर का 17 साल 8 महीने का नाबालिग बेटा चला रहा था। हादसे के बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नाबालिग ने अपने पिता की जिस पॉश कार से बाइक सवार युवक युवती को टक्कर मारी थी, वो बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी। ये चौंकाने वाली जानकारी आरटीओ से सामने आई। कार को अस्थायी रूप से बेंगलुरु में रजिस्टर किया गया था और पुणे लाया गया था। दरअसल महाराष्ट्र परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पुणे शहर में हुई इस घटना में शामिल लग्जरी पॉश कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था, क्योंकि मालिक ने 1758 रुपये का शुल्क नहीं भरा था। हालांकि वेबसाइट पर पॉश टाइकन मॉडल की कीमत नहीं दी गई है। नाबालिग आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिस तरीके से गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है, पुलिस को संदेह है कि आरोपी शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद उसके खून की जांच भी कराई गई। पीड़ित पक्ष ने पुलिस के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पिता की रईसी को ध्यान में रखते हुए वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी उन्हें दिया गया। हादसे के बाद आरोपी को पुलिस थाने में पिज्जा खिलाया, जबकि पीड़ित पक्ष को बेतुके सवाल पूछकर परेशान किया गया। हादसे में जान गंवाने वाले अनीश के भाई देवेश ने बताया है कि जब वे यरवादा पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें काफी देर तक बैठाए रखा गया और अश्विनी के उसके भाई अनीश के संबंध के बारे में अनाप शनाप सवाल पूछे गए। हालांकि कोर्ट ने जांच के नतीजे आए बगैर आरोपी को जमानत दे दी। कोर्ट ने जिन शर्तों पर आरोपी नाबालिग को जमानत दी, उसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को 15 दिनों तक यरवादा मंडल की पुलिस के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करनी होगी। शराब छोड़ने के लिए मनोचिकित्सक के पास इलाज कराना होगा। अगर भविष्य में वो कोई दुर्घटना देखे तो उसे दुर्घटना पीड़ित की मदद करनी होगी। अदालत के फैसले के अनुसार आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के परिणामों और उनके उपायों पर कम से कम 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जमानत लड़के के दादा के आश्वासन और 7500 रुपये के मुचकुले पर मिली है। बता दें कि दादा ने नाबालिग को बुरी कंपनी से दूर रखने का आश्वासन दिया है। जमानत की ऐसी शर्त से नया मोटर व्हीकल एक्ट सवालों के घेरे में आ गया। बता दें कि 2019 में मोदी सरकार ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। इसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था, साथ ही नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्ती की गई थी। इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक नाबालिग से वाहन चलवाने पर पेरेंट्स की गाड़ी का न केवल रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बल्कि दोषी साबित होने पर 25,000 रुपये जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा भी पेरेंट्स के लिए लागू की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट से जमानत मिलने से पहले पुलिस ने आरोपी से हादसे को लेकर पूछताछ की थी, जिसमें आरोपी ने कई चौंकाने वाली बात बताई थी। नाबालिग आरोपी ने बताया था कि 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद पिता ने ही उसे दोस्तों संग पब में पार्टी करने की इजाजत दी थी। उसने कार चलाने की ट्रेनिंग भी ठीक से नहीं की थी, फिर भी पिता ने उसे पार्टी में जाने के लिए अपनी पॉश कार दी। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। पिता को इस बात की भी जानकारी थी कि वो शराब पीता था। शनिवार को दुर्घटना होने से कुछ समय पहले नाबालिग और उसके दोस्त पुणे के एक प्रसिद्ध पब में गए थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। करीब 30 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक टेबल पर 4 से 5 लोग बैठे नजर आ रहे हैं। सामने टेबल पर कई ग्लास शराब की बोतलें और ड्रिंक्स नजर आ रही हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग उठकर बाहर जाते नजर आते हैं। पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो आरोपी नाबालिग ने अपनी तेज रफ्तार पॉश कार से दो लोगों को टक्कर मारने से पहले कई पबों में पार्टी की। हादसे से पहले उसने 2 पब में जाकर मात्र 90 मिनट में 48,000 रुपये खर्च किए थे। जी हाँ, पुलिस का दावा है कि किशोर ने हादसे के समय शराब पी रखी थी। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया है कि नाबालिग ने 48,000 रुपये का बिल कोजी में चुकाया था।
जो शनिवार रात 10:44 पर किशोर और उसके साथियों द्वारा किया गया पहला पाप था। कोजी रेस्टोरेंट द्वारा उन्हें सेवा देना बंद करने के बाद वे 12:10 पर दूसरे पब ब्लैक मैरियट में चले गए। कुमार ने कहा कि हमें पब का 48,000 रुपए का बिल मिला है जिसका भुगतान नाबालिग के ड्राइवर ने किया था। बिल में पब में किशोर और उसके दोस्तों को परोसी गई शराब भी शामिल है। एसीपी मनोज पाटिल ने कहा है कि किशोर ने पब में जाकर शराब पी थी और फिर कार चलाने लगा। लड़के और उसके साथियों की शराब पीने के पर्याप्त सीसीटीवी फुटेज भी हैं। ब्लड सैंपल रिपोर्ट का भी अभी इंतजार किया जा रहा है। आरोपी बेटे के कबूलनामे के बाद पिता विशाल अग्रवाल फरार थे, जिन्हें मंगलवार को पुलिस ने संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं नाबालिग को बार और पब में एंट्री देने को लेकर प्रहलाद हुटाडा, मैनेजर सचिन काटकर, होटल ब्लैक के मालिक संदीप सांगले, बार मैनेजर जयेश बोनकर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।